हमेशा आपसे एक बात कहते आए हैं, खेसारी लाल यादव और कंट्रोवर्सी का चोली दामन का साथ है, वो एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। तो ठीक इस बार भी खेसारी लाल यादव ने यहाँ एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की है। जगह है नेपाल और काम है उनका एक स्टेज शो के दौरान सानिया मिर्जा के बारे में भद्द टिप्पणी करना। जी हाँ, सानिया मिर्जा को लेकर फिर खेसारी लाल यादव ने जहर उगला है और इस बार कुछ ज्यादा ही उगला है। आपको याद दिला दे कि पिछले दिनों भारतीय सेना पे हुए पुलवामा अटैक को लेकर सानिया मिर्जा को उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई। वैसे आपको बता दे कि सानिया मिर्जा से इसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये तो खेसारी लाल यादव हैं। खेसारी लाल यादव किसी भी चीज का तुक कहीं भी जोड़ देते हैं। वैसे पुलवामा अटैक एक अलग चीज है और सानिया मिर्जा का शोएब मलिक से ब्याह करना एक अलग चीज। खेसारी लाल यादव हमेशा सानिया मिर्जा के बारे में कुछ न कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि उनकी ऑडियंस उनकी हर चीज पे तालियां बजाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एक इंटरनेशनल खिलाड़ी के बारे में इस तरह से ओछी बातें करना उचित है? वैसे भी खेसारी लाल यादव को सानिया मिर्जा का उपकार मानना चाहिए, क्योंकि सानिया मिर्जा के ऊपर अगर उन्होंने गाना नहीं गाया होता तो ना उन्हें 3 दिन की जेल होती और ना ही वो भोजपुरी के आज सुपरस्टार बनते। जब भी खेसारी लाल यादव को लगता है कि उनकी लोकप्रियता कम हो रही है, खेसारी लाल यादव खुद ब खुद कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर लेते हैं। अब इसे कहते हैं अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना या आबैल मुझे मार। वैसे हम यहाँ खेसारी लाल यादव के ज्ञान को भी दुरुस्त करना चाहेंगे। खेसारी लाल यादव ने इस स्टेज शो में कहा कि सानिया मिर्जा की शादी 2012 में हुई थी। आपको यहाँ बता दे कि खेसारी लाल यादव, आपकी तो साजन चले ससुराल 2011 में आ गई, तो उसके बाद आप कैसे स्टार बने, जबकि आपको स्टार बनाने वाली ही सानिया मिर्जा है। आपको यहाँ बता दे कि सानिया मिर्जा की शादी 12 अप्रैल 2010 में हुई थी। वैसे सानिया मिर्जा ने आपके ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है खेसारी जी, तो आप सानिया मिर्जा की शादी की डेट कैसे भूल गए? वैसे सानिया मिर्जा के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी कर अपनी सस्ती लोकप्रियता को भुना कर खेसारी लाल यादव न जाने क्या साबित करना चाहते हैं। सानिया मिर्जा और शोएब मलिक का चैप्टर काफी पुराना हो गया है। आपको यहाँ बता दे कि पुलवामा में हुए अटैक में सानिया मिर्जा की पूरी सिंपथी भारत की तरफ से थी, न कि पाकिस्तान की तरफ से। इसलिए सानिया मिर्जा की देशभक्ति पर सवाल उठाने से पहले खेसारी लाल यादव खुद सोचे कि वो एक इंटरनेशनल प्लेयर जो कि भारत को रिप्रेजेंट करता है, उसकी देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल स्पेशल भोजपुरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।